दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम सरसों की खली को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कई तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम तीन तरीक़ों से इसको इस्तेमाल करते हैं सरसों खली को। और सरसों की खली के साथ साथ मूँगफली की खली, अलसी की खली, इन तीनों की खली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। और आप जानते हैं कि सरसों की खली अगर अपने पौधे पे इस्तेमाल करते हैं तो भरपूर आपका उत्पादन मिलता है और फल फूल भी आता है। आपको बताएं कि जिस पौधे पे फूल नहीं आ रहा है, जो पौधा विकास नहीं कर रहा है, उस पौधे को आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या ड्राई फर्टिलाइज़र या पाउडर फॉर्म बना के आप उसको दीजिए, रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली, क्योंकि मैं इस वीडियो में कई तरीका आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है अपनी मिट्टी में। तो आपको बता दें कि जो सरसों की खली होती है, ये देखिए मेरे हाथ में ये अलसी की खली है, तो सरसों की खली और अलसी खली जो है कि इसमें नाइट्रोजन, जो फास्फोरस, जो पोटास है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 5 से लेके 5.2 तक इसमें पाया जाता है, और जो पोटास की बात करें तो पोटास इसमें 1.2% पाया जाता है, और जो फास्फोरस है 1.8% पाया जाता है, और इसके साथ साथ सल्फर भी होते हैं इसमें। और आपको बता दें कि अगर इसको पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो उपलब्ध होते हैं जो आपके पौधे को मिलते रहते हैं। तो इसको कैसे हमको इस्तेमाल करना है, सबसे जो पहला इसका रोल ये है कि अगर सरसों की खली आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि सरसों खली जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे में या मिट्टी में फंगस आता है। फंगस बिल्कुल नहीं आता है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करिए। सबसे पहले बता रहे हैं कि आप ले लीजिए सरसों की खली। सरसों की खली लेने के बाद करना आपको ये है कि आप उसको हल्का सा डाल के पानी उसको पेस्ट बना लीजिए। देखिए हमने इसको डाल के पानी उसको पेस्ट बना लिया है, और आपको ये करना है कि 2 से 3 दिन तक आप, जैसे आपको मैं मात्रा बता रहे हैं, आप अगर 250 ग्राम आप सरसों खली लेते हैं तो 250 ग्राम सरसों खली में आप 500 ml पानी ले लीजिए, पानी लाकर डाल दीजिए 500 ml या 1 लीटर पानी, क्योंकि जब फूलता है तो बढ़ता है। और इसको आप हल्का सा पेस्ट आप बना लीजिए, देखिए इस तरीके का, बहुत आपको पतला नहीं करना है। और जब ये पेस्ट आप बना लेंगे तो इसी पेस्ट को आपको इस्तेमाल करना है। ये 2 से 3 दिन में ऑलरेडी छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट ये बन जाएगा, और इसको आप चम्मच सादा से इसको आप मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है कि जब पोटिंग मिक्स आप बनाते हैं या मिट्टी आप अपने पास रखे होंगे तो उसको मिट्टी में इसको मिलाना है। मिट्टी में मिलाने की जो रेशियो है, अगर पोटिंग मिक्स अगर आप बनाते हैं तो पोटिंग मिक्स में काम ये करना है कि पोटिंग मिक्स के लिए जो मिट्टी लेना है, आप देखिए अगर ये मिट्टी ले रहे हैं हम, तो इस मिट्टी में आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स ये करना है कि अगर आप, मैं बताऊँ आपको कि अगर 10 केजी मिट्टी है तो 10 केजी मिट्टी में 500 ग्राम सरसों की खली, आधा किलो सरसों खली आप उसको लिक्विड बना लीजिए। और लिक्विड बना के ये रेशियो ध्यान रहे, मैं बता रहा हूँ आपको पोटिंग मिक्स का, आपको इसको करना क्या है कि आप 500 ml का लिक्विड बना के आप हल्का हल्का इसको आप लिक्विड को मिट्टी में डाल दीजिए, और मिट्टी में डालने के बाद इसको हाथों से आप अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स कर लीजिए। और जो ये जो पोटिंग मिक्स बन के तैयार होगा, और इस पोटिंग मिक्स पे कोई भी आप पौधा लगाइए, बहुत बड़े रिस्पांस आपको मिलेगा। ये ध्यान रहे 10 किलो मिट्टी में आपको 500 ग्राम सरसों खली को मिक्स कर देना है, और जब मिक्स अच्छी तरीके से आप कर देंगे तो मिक्स करने के बाद तुरंत आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम आपको इसको छाया जगह पे या धूप हो, बहुत ज़्यादा धूप ना हो, वहीं पे इसको आपको रख देना है कम से कम एक सप्ताह तक या 10 दिन तक इस मिट्टी को आप रख दीजिए, ताकि इसमें कोई कीड़े और फंगस आपको संभावना होती है तो वो इसमें ना लगने पाए, क्योंकि जो भी आना होगा वो 10 दिन के अंदर में आपको दिख जाएगा। और फिर इसी मिट्टी को आप पोटिंग मिक्स में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको बताएं कि इसमें बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाएंगे सरसों खली को डालते हुए। और 10 दिन बाद जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो फूल वाला पौधा हो गया, सब्जी वाला पौधा हो गया, उसमें किसी भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपको हम बता दें कि आप क्या करना है, अगर आपको गमलों में मिट्टी देनी है तो मिट्टी के साथ साथ आप चाहें तो इसको खाद भी आप दे सकते हैं। कैसे करना ये है कि अगर उसके लिए जो आपको क्या करना है कि उसके लिए 10 किलो मिट्टी में 1 kg सरसों खली इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रहे। सबसे पहले सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसका भी पेस्ट आप बना लीजिए। जब इसका पेस्ट बना लेंगे तो उसी हिसाब से 10 किलो मिट्टी में आपको
1 kg सरसों की खली आप करना क्या है, आप उसको मिक्स कर दीजिए। जब अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद इसको भी आपको उस तरीके से आपको रख देना है। कितना दिन रखना है, कम से कम 10 दिन तक, 10 दिन तक इसको भी रखना है। और लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि इसका रेशियो 10 kg का मिट्टी में 1 kg सरसों खली, और इसका जो रेशियो है 20 kg मिट्टी का 1 kg सरसों खली का रेशियो है। ये ध्यान रहे, ये गलती आप ना करिएगा। और 10 दिन रखने के बाद इस मिट्टी को आप खाद के तौर पे अपने गमलों के मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें आप एक एक इतना मुट्ठी हो सके तो जैसे जितना बड़ा पॉट आपके पास है, आप उस मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद इस मिट्टी को उसमें मिला दीजिए और दे दीजिए पानी। आपको बताएं कि बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, और ये खाद के तौर पे रिस्पांस बहुत बढ़िया है। क्योंकि बहुत लोग, जो लोगों की शिकायत होती है कि सरसों की खली से बहुत ज़्यादा फंगस आते हैं, तो सरसों खली इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि सरसों खली आप जिस पौधे पर अगर इस्तेमाल करिए, लगातार 3 से 4 महीनों इस्तेमाल करिए, तो वो पौधा बहुत बेहतरीन आप देखेंगे, उसमें शाखाएँ भी आएंगी, उसमें फल फूल भी आते रहेंगे, क्योंकि इससे उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से इस्तेमाल करिए, उसमें फंगस लगने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जो दूसरा तरीका है लिक्विड बनाने का, इसको वो भी तरीका आपको बहुत बेहतरीन रिस्पांस उसका मिलता है। लेकिन बस ये आपको ध्यान यही रहे कि बरसात के मौसम में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से थोड़ा बचना चाहिए पौधे को, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उसको धूप नहीं मिल पाती। सरसों की खली उन्हीं पौधे पे इस्तेमाल करिए जो पौधा आपको कम से कम 5 से 6 घंटा धूप मिलती हो, नहीं तो जो पौधा अगर छाया जगह पर रखते हो, उस पौधे को आप सरसों की खली बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें चांस ज़्यादा रहता है फंगस आने का। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। इंडोर प्लांट तो बिल्कुल कभी भूल के भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल ना करें। तो ये आप जानते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर इसको कैसे बनाते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो ये ध्यान रहे कि मिट्टी का बर्तन में अगर आप बनाते हैं तो उसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर मिट्टी के बर्तन आपके पास ना हो तो बाल्टी में बना सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी के बर्तन द बेस्ट होता है। इसमें करना ये है कि अगर 250 ग्राम सरसों खली आपके पास है, तो 250 ग्राम सरसों खली में आपको करना क्या है, कम से कम डालना है 4 से 5 लीटर पानी। ये रेशियो आपको ध्यान रहे, डाल दीजिए इसमें पानी, और डालने के बाद इसको ढक के कम से कम 1 सप्ताह के लिए आप इसको रख दीजिए। अब हम बता रहे हैं कि 1 सप्ताह अगर ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में आप इसको रख सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में 3 दिन या 4 दिन में ही ये फर्मेंटेशन की क्रिया अच्छी तरीके से ये हो जाएगी। अब उसके बाद जब इसको आप 1 सप्ताह बाद या 3 दिन बाद वापस लेके आते हैं, वापस लेके आने के बाद अब आपको करना ये कि इस लिक्विड को इस तरीके से घोल लेना है। घोलने के बाद 1 गिलास अगर लिक्विड आप लेते हैं तो उस 1 गिलास में 10 गिलास पानी आप सिंपल मिला के अपने गमलों की मिट्टी में दे सकते हैं। और अब बताया आपको कि थोड़ी सी बस वही आपको ध्यान देना है कि बरसात के समय में देने से आप इसे बचिएगा, और इंडोर प्लांट देने से आप इसे बचिएगा। बाकी समय के लिए आप इसको इस्तेमाल करिए। आपको हम बता दें कि गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जिस पौधे पे सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं वो पौधा बहुत ही बढ़िया फल देता है और फूल देता है। उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल है सरसों की खली का। उसके बाद हम बता दें आपको जो तीसरा तरीका है इस्तेमाल करने का, उसी सरसों खली को आप बना लीजिए पाउडर फार्म। पाउडर फार्म बना लेंगे तो पाउडर फार्म बनाने के बाद उसमें करना आपको ये है कि 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच आप मिट्टी की, गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करके चारों तरफ इसको आप दे सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि धीरे धीरे करके इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपके मिट्टी में आते रहेंगे, और जब मिट्टी में आएंगे तो पौधे को मिलते रहेंगे और उसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आपको मिलता रहेगा। लेकिन बस वही मेरा बात कहने का है कि आप बरसात में इसको भी देने से बचिए, क्योंकि बरसात में कभी कभी होता है कि बहुत समस्या आती है, पूरी मिट्टी गीली रहती है और हमेशा गीली ही रहती है, और वो फंगस लग जाता है, पौधे आपके खराब आते हैं। गर्मी में और ठंड के मौसम में इस्तेमाल करें, इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया है। ठंड का मौसम आने वाला है, आप इसे ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सरसों खली कहाँ मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आपको बताएं कि आप मार्केट में इसे परचेज कर लीजिए। क्योंकि सरसों की खली अगर गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं या बहुत बड़े लेवल पर खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो रिस्पांस आपके सामने है। दोस्तों वीडियो से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।